आज मेरे साथ हमारा पुराना बच्चा अंकित है, जिसने क्लास 12th में खटीमा में टॉप भी किया था, और आज हमें बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इसने एनडी क्वालिफाई किया है। अब मैं चाहूँगा कि अंकित अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करें। तो मेरा एक्चुअली एसएसबी में मैं 5 बार अटेम्प्ट दे चुका हूँ एज एनडी कैंडिडेट। तो फिर मेरा ये था कि पहले अटेम्प्ट में मैं क्वालिफाई कर लिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई गॉट वैरिड आउट। फिर उसके बाद मेरे कुछ अटेम्प्ट ऐसे रहते कि मैं वहाँ पे कभी स्क्रीन आउट हुआ, और एक बार कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, और एक बार इट वॉज लाइक कि मेरा लक खराब था कि मैं रिकमेंड होने के बावजूद मेडिकली अनफिट हो गया था, जस्ट बिकॉज मेरे ईयर में परफोरेशन। देन ऑल्सो इट वॉज लाइक कि हाँ, टीचर्स का भी सपोर्ट था कि ओके नॉट टू लूज दी हो, ठीक है। और बाकी ऐसा था कि दे ऑलवेज सेड टू मी कि पेशेंस, स्कूल में भी ये चीज़ सिखाई थी कि पेशेंस करो, पेशेंस ऑलवेज गिव यू द प्राइज। तो इट वॉज लाइक कि लास्ट अटैम्प्ट में भी मैं फिर उसी जोश के साथ गया, और फाइनली इट वॉज द थिंग दैट आई गॉट रिकमेंडेड, एंड दिस टाइम आई एम मेडिकली फिट, एंड दिस वेरी सून आई एम गोइंग टू जॉइन एनडी। इसमें अंकित, स्कूल से आपको कितना कुछ मिला? तो इट वॉज लाइक कि जो फाउंडेशन होता है वो तो स्कूल ने ही लेकर है। इट इज़ लाइक कि हम लोग मतलब जैसे आगे की तैयारी तो चलिए कह सकते हैं कॉम्पिटिटिव अगर हम बाहर से कर रहे हैं, लेकिन बेसिक चीज़ है कि हमारे बेसिक्स कहाँ क्लियर होते हैं वो स्कूल में। बाकी जो मेरा फर्स्ट टाइम था उस समय मेरे को एनडी का बिल्कुल आइडिया नहीं था, तो स्कूल में ही था कि जब रिटर्न क्लियर हुआ था जस्ट जो स्कूल में पढ़ाया गया था उसको अच्छे से उसमें ध्यान से दिया, मतलब जितना पढ़ सकते थे अच्छे से फोकस करा उस पर। उसके बाद यहाँ के मतलब टीचर्स ने मेरे को एडवाइस किया कि हाँ एसएसबी की अगर तुम्हें प्रिपरेशन करनी है तो तुम बाहर जाओ, फिर सर लोगों की एडवाइस भी मैं बाहर गया था। बाकी उसके बावजूद फिर उसके बाद मैंने कोचिंग ली, उसके बाद मतलब अच्छा आइडिया मिला जिसकी वजह से अच्छा खासा एक्सपीरियंस की मदद से मैंने सर क्वालिफाई किया। ठीक है, ऑल द बेस्ट। हम चाहेंगे कि जब आप ऑफिसर बने एक बार आके फिर स्कूल में आए और अपने बच्चों को, हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं उनको मोटिवेट करें और बताएं कि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं। यस, ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।